हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ विश्व भारती शिक्षा सदन बिहार चौरस्ता। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोट भी कर लिए होंगे। जो भी वीडियो आप लोगों के पास सेंड किया जा रहा है, उस वीडियो के माध्यम से फेयर की कॉपी तैयार करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेम डे में प्राप्त करें। चलें ऑब्जेक्ट के अब काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट डिनोट्स अ थिंग इट इज इन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस ऑब्जेक्ट से किसी वस्तु का बोध हो, जो ऑब्जेक्ट वस्तु के रूप में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आई बॉट अ पेन, यहाँ आप देख रहे हैं कि आई सब्जेक्ट है, बॉट ट्रांजिटिव वर्ब है और डिटरमाइनर है, पेन कॉमन नाउन है। यानी ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ नाउन आया है जो वस्तु को इंडिकेट करता है। पेन एक वस्तु है, पेन एक थिंग है, सो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेम इसी तरह दूसरे एग्जांपल में चलते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। ही टॉट हिंदी, हिंदी यहाँ प्रॉपर नाउन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में है, जो वस्तु को इंडिकेट करता है, जो एक भाषा है, जो एक भाषा है। अतः हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब चलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। व्हेन द ऑब्जेक्ट डिनोट्स ह्यूमन बीइंग इट इज इन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्राणी सूचक ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है जिस ऑब्जेक्ट से किसी प्राणी का बोध हो उस ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलते हैं एग्जांपल की तरफ। देखें पहले एग्जांपल में ही टॉट मी, उन्होंने मुझे पढ़ाया। मी किसी पर्सन के लिए आया है, किसी प्राणी के लिए आया है, सो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो ट्रांजिटिव वर्ब टॉट के बाद आया है। तो इस वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, ट्रांजिटिव वर्ब का सब्जेक्ट ही है। चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। यू हेल्प्ड हिम, हिम भी प्राणी के लिए आया है जो हेल्प्ड ट्रांजिटिव वर्ब के बाद है, सो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी प्राणी सूचक ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब चलते हैं नोट की तरफ। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ व्हाट लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वही वर्ड ट्रांजिटिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी कहने का मतलब है कि वर्ब के पहले व्हाट लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे चलते हैं फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल की तरफ। आई बॉट अ पेन, यहाँ बॉट के पहले व्हाट लगाएं, व्हाट बॉट, यू कैन फाइंड द आंसर अ पेन, सो पेन इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक उसी तरह ही टॉट हिंदी,
टॉट के पहले जब हम व्हाट लगाएंगे तो व्हाट टॉट, तो आपको आंसर मिलेगा हिंदी। सो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब है कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ व्हाट लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वही वर्ड ट्रांजिटिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब चलते हैं दूसरे नोट की तरफ। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हुम या विद लगाकर प्रश्न करने पर जो जवाब मिले वही शब्द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हुम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक बार पुनः एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ देखें, ही टॉट मी, टॉट के पहले आप हुम लगाएंगे, हुम टॉट, आपने किन्हें पढ़ाया, मी, मुझे, यानी आपको आंसर मिलेगा कि मी, मुझे। यहाँ हेल्प्ड के पहले हुम लगाकर प्रश्न करेंगे कि हुम हेल्प्ड, आपने किनकी मदद की, तो उनकी या उसे, आपको आंसर मिलेगा। यहाँ हिम ऑब्जेक्ट के रूप में है और मी ऑब्जेक्ट के रूप में है। यानी व्हाट लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, हुम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब एक चीज़ यहाँ मार्क करने वाली चीज़ है, इस पर ध्यान देना होगा। अगर वाक्य में वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट पहले हो और प्राणी सूचक ऑब्जेक्ट बाद में हो तो प्राणी सूचक ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन टू या फोर का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखें ध्यान से, हिज फादर सेंट रुपीज 50 टू हिम, यहाँ हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और रुपीज 50 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ देख रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया है। तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में हो तो इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ही टॉट हिंदी टू मी, यहाँ देखें हिंदी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो वस्तु सूचक है, मी यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो प्राणी सूचक है, दोनों के बीच में प्रीपोजिशन टू आया है। एक चीज़ मार्क करने वाली चीज़ यहाँ और है कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में हो तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हिज फादर सेंट हिम रुपीज 50, यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में हो तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह दूसरे एग्जांपल में भी करेंगे। ही टॉट हिंदी टू मी, अगर मी हिंदी की जगह आ जाए, हिंदी मी की जगह चला जाए तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही टॉट मी हिंदी। थर्ड एग्जांपल को देखें, यू शुड फाइंड अ सेक्रेटरी फॉर मी। अब यहाँ देखें सेक्रेटरी वस्तु सूचक है और मी प्राणी सूचक है, दोनों के बीच में प्रीपोजिशन फोर आया है। अगर मी सेक्रेटरी की जगह मी हो जाए और मी की जगह सेक्रेटरी हो जाए तो फोर का यूज नहीं करेंगे। उसी तरह फोर्थ एग्जांपल को देखें, हिज फादर हैज कलेक्टेड लाख्स ऑफ रुपीज फॉर द स्कूल, कलेक्टर के बाद लाख्स ऑफ रुपीज जो है वस्तु सूचक है, द स्कूल,
प्राणी सूचक को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए दोनों के बीच में प्रीपोजिशन फोर आया है। और लाख्स ऑफ रुपीज स्कूल की जगह हो जाए तो फोर का यूज नहीं करेंगे। आशा है आप लोग अपडेट के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताऊंगा। थैंक यू, मोर इन नेक्स्ट वीडियो।